इस बहुत ही रंगीन कागज की कैंडी को बनाने के लिए आप कागज चाहिए होंगे और साथ में एक कैंची की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इन सभी कागजों के ऊपर आप इन कैंडीज के प्रिंट आउट लीजिए। इन प्रिंट टू सेक्शन के अंदर उसका पीडीएफ दिया गया है। उसके बाद में इस हर एक आकार की जो आउटलाइन है उसको आप कैंची से काट लीजिए, बनेंगे। उसके बाद में जो डॉटेड रेखाएं हैं उन दोनों को आप मोड़ दीजिए। इस तरह से कैंडी के 10 एक जैसे मॉडल उसके अंदर जोड़ेंगे। सबसे पहले इनके जो मुड़े हुए दो हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, फिर तीसरे को जोड़िए, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। इस तरह से जोड़ेंगे तो एक तरह का आपको एक स्पाइरल जैसा दिखेगा और ये बिल्कुल आप इस स्पाइरल को एक सिमेट्रिक बना सकते हैं और इसके बाद में इसको आप उल्टा कर सकते हैं। ये बगैर गोंद का एक जोड़ है, ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक स्पाइरल है। अब इसको ये इसका बैक व्यू है। उसके बाद में जो एस शेप्ड हैं, अब इनके जो दूसरे सिरों के ऊपर नॉचेस हैं उनको हम एक लॉक करेंगे, पहले दो को, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। इस तरह से एक के बाद एक ये 10 के 10 हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे, अल्टेन की शेप लेंगे या एक बहुत ही रंग बिरंगी कैंडी की शेप लेंगे। ये मॉडल देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये दो रंग का मॉडल भी बहुत अच्छा लगता है और सभी को आप एक डोरे से लटका करके हवा में लहरा सकते हैं। ये दो रंग का मॉडल भी बहुत अच्छा लगता है और सभी को आप एक डोरे से लटका करके हवा में लहरा सकते हैं।